बरेला से मंडला, ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत सी दिक्कतें आई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो। आज का दौर ऐसा है कि अगर किसी की गलती दूसरे शख्स को पता लग जाती है तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। लोग माफी मांगना तो दूर की बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट तक नहीं करते हैं। मगर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक मंच से सारी की सारी नई सड़कों की कलाई खोलकर सामने रख दी है और बता दिया है कि जो टेंडर दिए गए थे उनके मानकों के मुताबिक राज्य सरकारों ने काम नहीं करवाया है। अब ऐसे दौर में जब वादों पर वादे किए जा रहे हों और एक के बाद एक जुमला फेंका जा रहा हो लोगों को लपेटने के लिए, तो लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए कि आखिर जनता के लिए कौन सा नेता ज्यादा बेहतर है? ये आम जनता के लिए काफी मुश्किल चुनाव है। लेकिन हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें बेबाक अंदाज की वजह से जाना जाता है, जो काम को लेकर कितना ज्यादा अलर्ट है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब सीधा सीधा नितिन गडकरी ने सरकार की आलोचना तक की है काम की वजह से। और एक बार फिर से एक ऐसा ही मौका आया जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कों की क्या हालत है वो तो रैलियों में खुद सीएम की सभा में वीडियो के जरिए पता चल जाता है। 400 करोड़ की लागत से बन रही 63 किलोमीटर की खराब सड़क देखकर नितिन गडकरी इतना ज्यादा दुखी हुए हैं कि बाकी जो भी काम बचा हुआ था पूरा का पूरा टेंडर ही सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया है। दरअसल सोमवार को ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने जबलपुर और मंडला में 5,315 करोड़ रुपए लागत की 543 किलोमीटर लंबी 13 सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। इस दौरान मंडला के कार्यक्रम में मौजूद नितिन गडकरी ने बरेला से मंडला तक 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 63 किलोमीटर की टू लेन सड़क को देखकर नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं मंच से ही इसके लिए बेबाकी से माफी भी मांग ली और कहा कि जो भी काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, अगर गलती है तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए और मैं माफी मांगता हूं। बरेला से मंडला 400 करोड़ रुपए का 63 किलोमीटर की दो लेन सड़क का काम हो रहा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, बहुत दिक्कत आई है, मैंने आने से पहले ही अधिकारियों से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा जितना काम हुआ है उसे म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्द ही इसी रोड को अच्छे तरीके से पूरा करो और ये पूरा जो काम है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है सही मानकों के अकॉर्डिंग तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वहीं इससे पहले भी जिस तरह से बेबाकी के जो बयान हैं वो सामने आए हैं नितिन गडकरी के, वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अधिकारियों पर बरस रहे थे और कह रहे थे कि भोपाल की सड़कों की समीक्षा करते हैं हम सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमें सब पता चल जाता है कि कहां पर क्या चीज खराब है, इसलिए हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, उन सभी सड़कों को सही करो, देखरेख करो उनकी और सही तरह से आगे इसमें जो भी किया जा सकता है वो पूरी तरह से पालन करो। लेकिन उनके कुछ दिनों के बाद ही नितिन गडकरी ने जब सड़कों की हालत खुद देखी तो कैसे वो अधिकारियों पर और अपनी गलती भी उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार कर ली कि हमने जो मानक दिए थे उसके अकॉर्डिंग काम न करने के लिए जो दुविधा हुई है, जो असुविधा हुई है जनता को, उसके लिए हम माफी मांगते हैं क्योंकि गलती यहां पर हम सबकी है। जिस तरह से ये दुर्दशा सड़कों की बनी हुई है उससे आम जनता को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी सड़कों के ही रास्ते से आया हुआ हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो है जैसे मानक दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, जब तक ये पूरा काम नहीं हो जाता है तब तक एक एक चीज पर मेरी नजर बनी रहेगी। वैसे आपको बता दें कि नितिन गडकरी अपनी सरकार पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। नितिन गडकरी
गडकरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि सरकार वक्त पर निर्णय नहीं ले रही है। हाल ही में जब मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था उस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा था कि निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वक्त, और अगर हम वक्त की इज्जत नहीं करेंगे, वक्त सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वक्त कब हमें धोखा दे जाएगा हमें खुद नहीं पता चलेगा, इसलिए हमें वक्त की कद्र करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार समय पर निर्णय नहीं ले रही है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि गडकरी के बयान किसी विशेष सरकार के लिए नहीं थे बल्कि सामान्य रूप से सरकारों के लिए थे। सरकार पर इस टिप्पणी के कुछ ही देर बाद गडकरी ने नागपुर में भी एक कार्यक्रम किया। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय को सत्ता में भाजपा के उदय का श्रेय भी दिया था। 1980 में मुंबई में भाजपा के सम्मेलन में वाजपेयी के भाषण का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि अंधेरा मिट जाएगा, सूरज निकलेगा और कमल एक दिन जरूर खिलेगा। आपको बता दें नितिन गडकरी को पिछले सप्ताह पार्टी के संसदीय बोर्ड से जिस तरह हटाया गया था वो भी काफी ज्यादा मीडिया में छाया हुआ था और यह बताया गया था कि नितिन गडकरी जो है वो पीएम पद के कितने बड़े दावेदार माने जाते हैं, इसकी वजह से उनके कद को उनकी ही पार्टी में घटाने का जो काम है वो उन्हीं की पार्टी ने किया है। और इतना ही नहीं, मीडिया के एक वर्ग को भी नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कुछ दिनों पहले ही आईना दिखाया था। उन्होंने अपने आलोचकों और मीडिया के एक वर्ग को सीधा निशाने पर लिया था। नितिन गडकरी ने कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके बयानों को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वो सरकार और पार्टी के हित में इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने दरअसल ट्वीट किया था और कहा था कि आज एक बार फिर मुख्य धारा के मीडिया यानी मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के एक वर्ग और कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए मेरे खिलाफ घृणित और मनगढ़ंत अभियान जारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और सार्वजनिक समारोहों में मेरे बयानों को बिना सही संदर्भ के पेश किया जा रहा है। आपको बता दें अपने बयानों से जिस तरह से अक्सर नितिन गडकरी चर्चाओं में रहते हैं तो इसका फायदा पूरी तरह से विपक्ष को भी मिलता है कि वो अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। उनके बयानों को मोदी सरकार की आलोचना के तौर पर भी लिया जाता है। उनके बयानों से न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि आरएसएस भी उनके बयानों से असहज महसूस करती है। नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी से हटाए जाने के पीछे कई वजहें बताई गई और कई अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन असल में जो इसके पीछे की वजह क्या थी वो खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी मैटर ज्यादातर खुलकर सामने नहीं आते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में दिए गए अपने भाषण के यूट्यूब लिंक को शेयर किया था जिसका सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया गया और उसी वीडियो को लेकर उन्होंने अपनी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको फटकार लगाई थी और कहा था कि मेरे वीडियो को किसी भी गलत संदर्भ में चलाने की जरूरत नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया गया था और लिखा गया कि मैं ऐसे तत्वों के इस तरह के दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन सभी संबंधित लोगों को चेताया जा रहा है कि इस तरह की शरारत जारी रही तो मैं सरकार, पार्टी और अपने लाखों परिश्रमी कार्यकर्ताओं के हित में कानून का रास्ता अपनाने में संकोच नहीं करूंगा। अक्सर पार्टी और संगठन से जुड़ी कहानियां सुनाने वाले गडकरी ने पुस्तक विमोचन समारोह में भी एक पुरानी घटना का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गांव में सड़क बनाने का जिम्मा लिया था और संबंधित अधिकारी को कहा था कि अगर वो उनके साथ खड़ा रहा तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र करते हुए कहा था कि मुझे नतीजों की चिंता नहीं है लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगा, अगर मुमकिन है तो मेरे साथ रहो वरना मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस बयान को सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया जा रहा था कि गडकरी को अपना पद खोने की कोई चिंता नहीं है, इस तरह से इस पूरे संदर्भ में इस वीडियो को चलाया गया। लेकिन चाहे काम की बात हो, राजनीति की बात हो, सही गलत की बात हो, सवाल उठाने की बात हो, किसी मुद्दे को लेकर बात करने की बात हो, हर किसी चीज को लेकर नितिन गडकरी जिस तरह से बेबाक अंदाज में और एकदम फ्री होकर सवाल करते हैं, चाहे वो अपनी ही सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, चाहे अपनी गलती मानने की बात हो, कहीं पर भी नितिन गडकरी संकोच करते हुए नजर नहीं आते हैं और यही वजह है कि उन्हें पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार बीजेपी की तरफ से माना जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और शिवराज सरकार में सड़कों की दुर्दशा पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।